Hey everyone, welcome to my channel. इस वीडियो में हम सिंगापुर एक्सप्लोर करने वाले हैं. तो आगे जो आप ब्रिज देख रहे हैं उसी ब्रिज से हम ट्री टॉप वॉक पे चलेंगे. तो ये ट्री टॉप वॉक, ये जो ब्रिज शुरू होता है हॉट पार्क से और ये कनेक्ट करता है माउंट फेवर पार्क को. सो लेट्स गो. थ्रू आउट द डे सिंगापुर में आपको लोग एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्क, जॉगिंग या फिर अदर एक्टिविटीज़ में वो खुद को बहुत एक्टिव रखते हैं. तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी 6:45 to 7 o'clock के अंदर यहाँ पे सनराइज़ होता है, तो तब तक लोग ऑलरेडी वॉक में निकल जाते हैं. तो हम लोग वहाँ पे अराउंड 7:30 के अंदर पहुँचे थे और मौसम देखिए पूरा वॉक के लिए परफेक्ट है. सो हम लोग बस आगे चलने वाले हैं. यहाँ पे हर जगह आपको साइन बोर्ड्स नज़र आएंगे, तो उसको फॉलो करते हुए आप आराम से अपने डेस्टिनेशन में पहुँच सकते हैं. हम यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन में थे, उस रास्ते से चले या फिर राइट से चले, तो हमें साइन बोर्ड से पता चला वी आर फॉलोइंग द राइट साइड रोड. यहाँ से व्यू देखिए कितनी सुंदर है और दोनों तरफ आपको मतलब नेचर से बहुत पास से आप कनेक्ट हो पाएंगे. मैंने ये अब नोटिस की कि मेरी फिंगर कैमरे के लेंस के ऊपर आ गई थी, तो सॉरी फॉर दैट. एंड ये हम ऊपर से नीचे का रोड जहाँ से हम ओब्रिज पे आए थे उसी रोड है ये. ये रहे हम ऑन द वे. जगह जगह पे आपको ऐसे शेल्टर्स मिल जाएंगे. अगर बारिश हो या फिर आपको थोड़ी देर रेस्ट करना हो तो आप यहाँ रुक सकते हैं. ऑलरेडी आधे डिस्टेंस कवर कर लिए हैं. अभी अराउंड 1.3 किलोमीटर्स बाकी है हेंडरसन वेव्स में पहुंचने के लिए. सो लेट्स फॉलो द डायरेक्शन. इफ यू आर ए नेचर लवर और सिंपली लव वॉचिंग बर्ड्स एंड इवन इफ यू आर वॉकिंग एंथुजियास्टिक लाइक अस, then you definitely to visit this place. You will love to explore it. मुझे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा लगता है. सो जब भी पॉसिबल होता है तो मैं वीकेंड में ट्राई करती हूँ कुछ नया जगह एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर आराम से शांति से जाके पानी के किनारे बैठी रहती हूँ. बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन था कि आगे आपको वाइल्ड मंकीज दिख सकते हैं, तो क्या करना था क्या नहीं करना था उसमें डिटेल मेंशन था, तो मुझे भी फिल्मिंग वहाँ पे ऑफ करनी पड़ी. और हम यहाँ आके पहुँच चुके हैं माउंट फेवर पार्क की तरफ. तो ये भी एक लार्ज एरिया है, क्या क्या दिख सकता है इस बोर्ड पे आपको अभी मेंशन है. तो हम माउंट फेवर पार्क की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम हेंडरसन वेब्स की तरफ जाएंगे और वहाँ से हेंडरसन रोड से नीचे आएंगे. मनोज बीच बीच में रुक के
चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल व्हीकल्स या फिर कैब के थ्रू भी आ सकते हैं, तो ऑलरेडी आप जैसे देख रहे हैं कार पार्क्स भी अवेलेबल है। सिंगापुर में आपको ऐसे ग्रुप्स में लोग नज़र आएंगे जो कि मतलब स्टेडियम या फिर पार्क में ये जो ट्रेडिशनल चाइनीज माइंड एंड बॉडी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। अभी हम चलेंगे हेंडरसन वेव्स की तरफ। आगे देखिए छोटा बच्चा भी, उसको अर्ली मॉर्निंग वॉकआउट पे वो भी निकल चुका है। एवरीवन इज एंजॉयिंग द मॉर्निंग व्यू। जो स्टेप्स नजर आ रहे हैं वहां से हम हेंडरसन रोड पे निकलेंगे और वहां से घर चलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ यस प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। टिल देन बाय बाय।